हेलो फ्रेंड्स, आई एम अचल गुप्ता। चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर 5। ये क्वेश्चन न्यूली फॉर्म कंपनी का है और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज आप कंसेंट्रेट कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, एमए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक कंपोनेंट्स। द फॉलोइंग कॉस्ट मेन्यू इंफॉर्मेशन हैज बीन एसर्टेंड फॉर द इनवॉइस। उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट 12,000 दिया हुआ है, 12,000 प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ है और उनकी ये फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन यूनिट है। इस कैपेसिटी पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये कॉस्ट की स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हो तो इस यूनिट पे कॉस्ट के स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसीलिए इस यूनिट पे निकालेंगे, इस यूनिट पे निकालेंगे। मैं पहले भी मेंशन किया हुआ है, व्हेन एवर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज गिवेन देन इट इज कैलकुलेटेड एट द प्रोडक्शन यूनिट एट व्हिच कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गिवेन। देयर आफ्टर आइदर प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज, फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम। तो यहाँ पे आप देखिए 12,000 यूनिट पे कॉस्ट के स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट इसका जो भी होगा वो 12,000 यूनिट पे निकालेंगे। ये बात अलग है कि हमने फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन 6,000 यूनिट किया, सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन 9,000 किया, ये वेरिएबल कॉस्ट एज पर प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको क्या होगा, 12,000 यूनिट पे ही बनेगा। फिक्स कॉस्ट 12,000 यूनिट पे ही बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे यहाँ पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ₹6 है, तो ये 12,000 इंटू रुपीज ये 6 दैट इक्वल टू ₹72,000 होगा, ठीक है। अब फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹4 है, तो आपको किसी भी प्रोडक्शन यूनिट पे आपको ₹4 के रेट से ही होगा, दैट इज ₹48,000। आपको चाहे प्रोडक्शन यूनिट जितना भी हो लेकिन ये वाली दोनों कॉस्ट आपका फिक्स होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करने से ये वाली कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले हम वर्किंग नोट फर्स्ट करते हैं, वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो यहां पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना होगा भाई, हमारी कॉस्ट की स्ट्रक्चर 12,000 यूनिट पे दिया हुआ है और ये ₹6 है, तो ये ₹72,000 हो जाएगा किसी भी प्रोडक्शन यूनिट पे। और फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको कितनी दी हुई है, 12,000 यूनिट, ये ₹4 पर यूनिट है, ₹48,000 होगा। जब भी फिक्स कॉस्ट हो ऐसा ही होगा। मैं वर्किंग नोट के साथ साथ आपको क्वेश्चन समझाते चलता हूं ताकि आपका टाइम टाइम कम लगे। फिर दूसरी देखिए, उन्होंने कहा कि मटेरियल की कॉस्ट ये है, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट इस रेट से है, फिक्स का हो गया, डेप्रिसिएशन इसमें क्वेश्चन में बोला है, तो डेप्रिसिएशन कैश कॉस्ट बेसिस में इग्नोर करते हैं लेकिन आपको टोटल कॉस्ट बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹96, सेलिंग प्राइस 96 है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹5। तो सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितनी है, ये ₹5 है, इसमें आपको 80% वेरिएबल है, 80% वेरिएबल, तो 20% आपका फिक्स हो जाएगा। तो 20% ऑफ ₹5, ये आपको 20% ऑफ ₹5, ये ₹1 हो जाएगा। हम 12,000 यूनिट बना रहे हैं
तो ये 12,000 रुपया फिक्स सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000 यूनिट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये रुपी वन है, तो ये 12,000 रुपया ये फिक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, और उन्होंने प्रोडक्शन किया 6,000 यूनिट और आपको सेल किया 5,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो गया, 1,000। दूसरी साल में प्रोडक्शन किया आपका 9,000 और 8,500 सेल किया, तो भाई टोटल कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट और उसका हम आपको करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड ईयर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन यूनिट 6,000, यहां पे 9,000, एड ओपनिंग स्टॉक 0 होगा, ओपनिंग स्टॉक इसका तो 0 होगा। अब सेल्स यूनिट यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट ईयर का न्यूली फॉर्म कंपनी ओपनिंग स्टॉक तो 0 होगा, नया नया कंपनी आप खोल रहे हैं पहले से तो कुछ होगा नहीं। यहां पे आपने सेल किया 5,000 यूनिट, तो यहां क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा भाई, क्लोज ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, 6,000 आपने बनाया, 5,000 यूनिट आपने सेल किया, तो 1,000 यूनिट, तो 1,000 यूनिट यहाँ पे है। सेल यूनिट यहाँ पे कितनी है, 8,500, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1,500 यूनिट हो जाएगा, ये 1,500 यूनिट, यहाँ पे 1,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या बोली गई है इसमें देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2.25 मंथ एवरेज कंजम्पशन, वर्क इन प्रोग्रेस नील है, वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, बनाना नहीं है। डेटर्स 1 मंथ एवरेज सेल, यहाँ पे लैंग्वेज देखिएगा, 1 मंथ एवरेज सेल, सेल पे डेटर निकालेंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट बेसिस पे वर्किंग कैपिटल बनानी है। देखिएगा वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाया जाए, कैश कॉस्ट बेसिस पे, तो उसमें डेटर की कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ सेल पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल पे। आज जब टोटल कॉस्ट बेसिस पे बनाते हैं तो डेटा की कैलकुलेशन किस पे करते हैं, सेल्स रेवेन्यू पे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेल पे निकाली, तो टोटल कॉस्ट बेसिस पे वर्किंग पे बनानी है, ये आपको हिंट्स दिया। कैश बैलेंस 10,000 है, क्रेडिटर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स आपको 1 मंथ एवरेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जितना मटेरियल परचेज करेंगे उतना। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेज 1 मंथ एवरेज ऑल एक्सपेंसेज ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी खर्च है सारी एक्सपेंसेस को 1 मंथ लिखेंगे। प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इग्नोर टैक्सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस बतानी है, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल बतानी है। आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर देने जा रहा हूं, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये आपका एक वर्किंग नोट हो गया था। अब आपको सेकेंड वर्किंग नोट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अब सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे फर्स्ट ईयर लिखिए, यहां पे आपको सेकेंड ईयर लिखिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल यहां पे रुपीज होगा, यहां पे रुपीज होगा। अब देखिए हमने 6,000 यूनिट बनाया, यहाँ पे 9,000 यूनिट बना,
मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपया। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपया है। तो यहाँ पे 6,000 इंटू रुपीज 40, 9,000 इंटू रुपीज 40, तो ये आपको 2,40,000 रुपया हो जाएगा। ये 3,60,000 होगा, ठीक है। अब आपको क्या हो जाएगा, टोटल कौन सा कॉस्ट है? डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब देखो आप, यहाँ पे 6,000 यूनिट है, ये 40 के रेट से, ये 9,000 यूनिट है, ये 20 के रेट से है, 40 के रेट से नहीं है, 20 की रेट से है, तो इसकी आधी हो जाएगी 1,20,000। ये भी 1,20,000 रुपया हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 72,000। तो ये जो ₹72,000 होगा, ये दोनों में होगा क्योंकि फिक्स है, ठीक है, फिक्स। उसके बाद क्या है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी फिक्स है, तो आपको डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 12,000 यूनिट इंटू रुपीज 10, तो 1,20,000 रुपीज ये हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज ये हो जाएगा। उसके बाद फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब आपको दूसरा क्या होगा, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है 48,000। तो ये आपका 48,000 रुपीज हो जाएगा, 48,000 रुपीज हो जाएगा। इसको कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, इतने को सारे को क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा और यहाँ पे 78,000 हो जाएगा, 7,80,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखना है, फिनिश गुड्स। तो भाई न्यूली फॉर्म कंपनी है तो यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे तो नहीं, इसका क्लोजिंग वो स्टॉक होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। अब सुनो आप, ये 6 लाख है, इसने हमने कितना यूनिट बनाया, 6,000 यूनिट बनाया हमने। 6,000 कैसे आया, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 6,000, और 1,000 यूनिट आपको क्या हो गया, क्लोजिंग में रखा, 1,000 यूनिट क्लोजिंग में हो गया। तो ये 1 लाख रुपया आपको क्लोजिंग हो गया, तो इसको माइनस करेंगे, लेकिन ये दूसरे साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा, तो इसको आप ऐड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग दूसरे साल का कितना होगा, दूसरे साल का 7,80,000 रुपीज प्लस 1 लाख इसमें आया, एवरेज कॉस्ट होता है फिनिश गुड्स आपका, एवरेज कॉस्ट पे तो 9,000 बनाया, उसका 7,08,000 रुपया हुआ, 7,80,000। 1,000 रुपया यहाँ से आया, 1,000 यूनिट हमने यहाँ से लाया, 1,000 यूनिट हमारे क्लोजिंग था, इंटू 1,500। अब सुनना यार, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,32,000, यहाँ पे 1,32,000। तो इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सुनिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा, ये 5 लाख। और यहां पे ये वाला माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 7,48,000 रुपीज हो जाएगा, 7,48,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब आपको यहां पे क्या आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड। हम क्या करेंगे, सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड दो है, एक तो वेरिएबल है एट द रेट ऑफ 4, जितना बेचोगे, एक तो फिक्स है, एक तो फिक्स है ₹1 × 12,000, ये आपका फिक्स है। तो ये 12,000 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल जितनी यूनिट आप सेल करोगे उतनी यूनिट। तो भाई पहले में तो 6,000 यूनिट सेल किया गया, तो 6 × पहले में 5,000 यूनिट सेल किया गया, 5,000 यूनिट, तो 5,000 × 4 दैट इक्वल टू 20,000। और दूसरे में हमने 8,500 यूनिट सेल किया, 8,500, तो 8,500 यूनिट सेल किया, तो 8,500 × 4 दैट इज 34,000। तो ये जो आएगा सेलिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कितना हो जाएगा, 5,32,000। और यहां पे कितना हो जाएगा, 7,94,000। अब सुनिएगा, अब प्रॉफिट स्टेटमेंट अब निकाला जा सकता है। अब यहां पे हम प्रॉफिट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट ईयर का, और यहां पे सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट स्टेटमेंट हम निकाल लेंगे। ये रुपीज में हो जाएगा, ये रुपीज में हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास सेल्स रिवेन्यू है, सेल्स रिवेन्यू, पहले साल हमने सेल किया 5,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस था हमारे पास 96 रुपए, सेलिंग प्राइस 96 यूनिट है। तो 5,000 यूनिट को सेल किया एट द रेट ऑफ 96, दूसरे साल सेल किया 8,500, और ये भी 96 के हिसाब से। तो हमारे पास सेल कितना आया, हमारे पास सेल देखिएगा कितना आया, हमारे पास सेल आया 4,80,000, यहाँ पे 4,80,000, और यहाँ पे 8,16,000 हमारे पास सेल हो गया। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब सेल करते करते कितना कॉस्ट लगा। तो सेल करते करते पहले साल में 5,32,000 लगा था, 5,32,000, और दूसरे साल में हमारे पास 7,94,000 लगा, 7,94,000। आप बताइएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इसको माइनस करोगे आप, जब आप माइनस करोगे तो कितना लिखोगे आप, यहाँ पे माइनस करोगे तो ये 52,000 आपका नेगेटिव आ जाएगा, 52,000 नेगेटिव, और यहाँ पे 22,000 आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव। अब देखिए यहां पे डेटर, डेटर की कैलकुलेशन हम यहां से कर सकते हैं, डेटर। अब डेटर एवरेज डेटर्स आपको कितना होगा, यहां पे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं एवरेज डेटर्स। अब सुनिएगा, डेटर का क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने कहा कि डेटर्स,
1 month एवरेज सेल, सेल पे निकालना है 1 month एवरेज सेल। तो भाई साहब आप सुनो, यहाँ पे सेल कितना किया फर्स्ट ईयर में, 480,000 डिवाइडेड बाई 12 × 1, यहाँ पे कितना सेल किया 816,000 डिवाइडेड बाई 12 × 1, डिवाइडेड बाई 12 × 1, तो हमारे पास 40,000 या इतना हो जाएगा 40,000, और यहाँ पे 68,000 हो जाएगा 68,000। ये हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाया। अब आपको ये यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये जो फिनिश गुड्स है यहाँ से मैंने ले लिया, इसको आप मान लीजिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम एक नाम दे देते हैं वर्किंग नोट ए, इसका नाम देते हैं वर्किंग नोट ए, हम वर्किंग नोट, इसका नाम दे देते हैं वर्किंग नोट बी, डेटर्स के प्लेस पे हम वर्किंग नोट बी लिखेंगे। अब देखिए आपके बुक ने कैश कॉस्ट बेसिस पे वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए नहीं पूछा। कैसे पता चला नहीं पूछा? क्योंकि उन्होंने डेटर की कैलकुलेशन जो बोला है, डेटर की कैलकुलेशन जो बोला है वो क्या चीज पे बोला है? डेटर की कैलकुलेशन उन्होंने कहा था हम करेंगे सेल्स रिवेन्यू पे, जबकि आपको कैश कॉस्ट बेसिस पे होता क्या है, डेटर कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि सर कैश कॉस्ट बेसिस पे अगर यही क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाते, कैश कॉस्ट बेसिस पे यही क्वेश्चन अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाते, तो कैश कॉस्ट बेसिस पे यही इसी क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाते। तो सेम क्वेश्चन ऑन कैश कॉस्ट बेसिस पे डेटर की कैलकुलेशन कैसे करते, फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन कैसे करते, उसमें देखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट बेसिस, एज पर कैश कॉस्ट बेसिस, एज पर कैश कॉस्ट बेसिस, आप देखिए कैश कॉस्ट बेसिस पे, आप देखिए कैश कॉस्ट बेसिस पे कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कैश कॉस्ट बेसिस पे आपका इसी लाइन में आ जाइए, इसी लाइन पे आ जाइए, हमने ये वाला सारे कंप्लीट किया, ये वाली चीजें हमें अब नहीं चाहिए, ये वाली चीजें हमें नहीं चाहिए, ये वाली चीजें नहीं चाहिए। अब दूसरे तरीके से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब सुनिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, अब सुनिए यहाँ पे क्या है, जो डेप्रिसिएशन की जो आइटम है ना 1,20,000, डेप्रिसिएशन का जो आइटम है ना 1,20,000, उसको हम इग्नोर करते हैं, कैश कॉस्ट बेसिस डेप्रिसिएशन को नहीं लेता, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो नॉट अ कैश आइटम, डेप्रिसिएशन जो नॉट अ कैश आइटम, इसलिए इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 6 लाख है उस 6 लाख में, 6 लाख में हमारे पास 1,20,000 नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब दूसरे केस में हमारे पास क्या है, दूसरे केसेस में जो हमारे पास 7,80,000 है, हम 1,20,000 नहीं होना चाहिए था, तो 7,80,000 माइनस 1,20,000 नहीं होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4,80,000 होगा, 4,80,000, और यहाँ पे 7,60,000 हो जाएगा, 7,60,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस पे क्या करते हैं हम, ऐड ओपनिंग ए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, भाई ओपनिंग ए स्टॉक तो यहाँ पे नहीं है, न्यूली फॉर्म कंपनी में तो पहले साल में होगा ही नहीं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब सुनिए दूसरे साल में होगा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 4,80,000 की प्रोडक्शन करने रुपीज लगा, 6 लाख यूनिट प्रोडक्ट, 6,000 यूनिट बनाने में 1,000 यूनिट आपका क्लोजिंग हो, 1 लाख 1,000 यूनिट क्लोजिंग, तो आपको यहाँ पे 8, तो 80,000 रुपीज हो जाएगा ये, तो ये इनकी ओपनिंग हो जाएगी 80,000 रुपीज, ये इनका ओपनिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सेकंड में क्या होगा, अब सेकंड में देखिएगा,
सेकेंड में 7,60,000 प्लस 80,000 ये वाला, कितनी यूनिट हो गई एवरेज कॉस्ट पे निकालनी है। हमने बनाया 9,000 यूनिट, 1,000 यूनिट पहले आया, 1,500 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग है। हमारे पास क्लोजिंग कितनी है? 1,500 यूनिट है, 1,500। अब इसकी क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? तो 1,11,000 रुपीज ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यही जो होता है ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा। किसके लिए? आपका जो वर्किंग नोट ही होगा ये आपका फिनिश गुड्स फॉर कैश कॉस्ट बेसिस, ये फिनिश गुड्स कैश कॉस्ट बेसिस का आ जाएगा। ये वर्किंग नोट आप सी रख दीजिए, जो फिनिश गुड्स फॉर कैश कॉस्ट बेसिस हो जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया भाई? यहाँ पे 4 लाख रुपीज हो जाएगा, यहाँ पे 6,29,000, ये कितना हो जाएगा? 7,60,000 प्लस 80,000 माइनस 7,29,000, ये 7,29,000 हो गया, 7,29,000। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब उसको क्या करेंगे? एड सेलिंग ओवरहेड। यहां पे मैंने क्या किया? एड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड में दो है, एक तो वेरिएबल है, दूसरी क्या है? फिक्स है। तो फिक्स तो 12,000 है, फिक्स तो 12,000 है, एट द वेरिएबल एट द रेट ऑफ ₹4 है, ₹4 है, तो ये 20,000 हो जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं करेगा, ये यहाँ पे 8,500 है, 34,000। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ सेल, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा? 4,32,000 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7,29,000 प्लस 34,000 प्लस 12,000, तो 7,75,000, ये 7,75,000 हो गया। अब कहेंगे क्या? डेटर इसी पे निकालेंगे। हाँ जी सर, कैश कॉस्ट बेसिस पे डेटर हम इसी पे निकालते हैं, कैश कॉस्ट बेसिस पे डेटर की कैलकुलेशन हम इसी पे करेंगे। तो अगर मुझे एवरेज डेटर निकालनी है, यहाँ पे डेटर्स निकालनी है, तो डेटर का क्या लिखोगे यहाँ पे? तो एवरेज 1 मंथ लिखा है, तो 4,32,000 डिवाइडेड बाई 12 × 1, 7,75,000 डिवाइडेड बाई 12 × 1, तो डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो इसमें कितना लोगे? 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7,75,000, 7,75,000, एक मिनट आप समझने का, 7,60,000, 7,60,000 प्लस 80,000 माइनस 1,11,000, 7,29,000, 7,29,000 प्लस 34,000, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है। 7,80,000 ये 6 लाख होगा बेटा, ये 6 लाख हो जाएगा। जब वो 6 होगा तो ये भी फर्क हो जाएगा और ये भी फर्क हो जाएगा। अब सुनिए, तो ये 6 लाख हो जाएगा, 6,20 हो जाएगा, ये 6,75 हो जाएगा, फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी, 56,250
यहाँ पे 56,250 हो जाएगा, 56,250। यहाँ पे 4,32,000, 4,32,000 डिवाइड 12 करोगे तो 36,000 ये हो गया, ये आपकी 36,000 एवरेज डेटर हो गया इन द केस ऑफ कैश कॉस्ट बेसिस, इन द केस ऑफ कैश कॉस्ट बेसिस। तो कैश कॉस्ट बेसिस में आपका फिनिश गुड्स कितना होगा, कैश कॉस्ट बेसिस में आपका, कैश कॉस्ट बेसिस पे आपका डेटर्स कितना होगा वो मैंने निकाल कर बताया क्वेश्चन को, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने ये वर्किंग नोट आपका डी लिख दिया, वर्किंग नोट डी से यहाँ। अब सुनिए, आपके बुक ने कैश कॉस्ट बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन टोटल कॉस्ट बेसिस पे भी सॉल्व किया है, लेकिन आपका एग्जाम में आएगा तो जब आपका डेटर की इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि टोटल सेल पे निकालेंगे, सेल्स रिवेन्यू पे निकालेंगे, तो आप कैश कॉस्ट बेसिस को एग्जाम में नहीं बनाना, कैश कॉस्ट बेसिस को एग्जाम में नहीं बनाना। अब क्वेश्चन आता है कि आपको इसके बाद क्या होता है कि रॉ मटेरियल की कंजम्पशन तो इसमें कोई वही होगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज एंड क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल परचेज, वर्किंग नोट आप देखिएगा, वर्किंग नोट ये कौन सा था, मान लीजिए आंसर है, वर्किंग नोट सेकंड रख दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज एंड क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर रॉ मटेरियल। सुनिए यहां पे फर्स्ट ईयर और यहां पे आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा, 2 साल। रॉ मटेरियल परचेज फॉर फिनिश गुड्स, फॉर फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के लिए हमने कितनी रॉ मटेरियल परचेज किया, यहां पे 2,40,000 और यहां पे 3,60,000 फिनिश गुड्स, 2,40,000 और 3,60,000। इसको समझिए, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो उसके लिए तो नहीं परचेज किया होगा, लेकिन स्टॉक के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। तो रॉ मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक, स्टॉक के लिए आपने परचेज किया होगा। अब प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2.25 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन तो आपका इतना ही है, कंजम्पशन तो यही है, तो यहां पे 2,40,000 की कंजम्पशन है डिवाइडेड बाई 12 × 2.25, यहां पे 3,60,000 की कंजम्पशन है डिवाइडेड बाई 12 × 2.25। अब आपको ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 × 2.25, तो ये 45,000 हो जाएगा, ये 45,000 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये 45,000 हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल, टोटल रॉ मटेरियल परचेज कितना हो जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज 45,000, 2,40,000, ये 2,85,000 हो जाएगा। अब एवरेज आपका कितना हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 2,85,000 डिवाइडेड बाई 12, क्या रॉ मटेरियल क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है,
क्या क्रेटर का इंफॉर्मेशन, क्रेटर फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल 1 मंथ एवरेज परचेज, 1 मंथ दिया हुआ है, 1 मंथ जो परचेज है उस पर आपको इंटू वन लिख देंगे, इंटू वन डिवाइड 12 करेंगे तो ये 23,750 जाएगा, 23,750। अब आपको वहां पे कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड 12 तो ये आपको 30,000 हो जाएगा यहाँ पे, 12 × 2.25 तो 67,500, 67,500 प्लस 3,60,000 तो 4,27,500 हो गया यहाँ पे, 4,27,500, 4,27,500 डिवाइडेड बाई 12 × 1। अब बताइए डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 35,000 इसका 4 लाख, 4 लाख, 34,000 ये आपने एवरेज क्रेडिटर्स। अब देखिए रॉ मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक, ये जो रॉ मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक जो है, सुनिएगा इसमें थोड़ी सी 67, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक की है, ये वाली तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये तो जो है ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो आपकी है ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आपने ये क्या किया, ऐड किया, ऐड लेस ओपनिंग स्टॉक भी होगा, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक यहां पे है फर्स्ट ईयर में ये वहां जाके ओपनिंग हो जाएगा तो -45,000 हो जाएगा यहां पे, तो -45,000 तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगा यहां पे, ये वाली नहीं होगी। अब सुनना है आपका, ये वाली मिस्टेक हो गई थी, सुनना, हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का है फर्स्ट ईयर में 45,000 है, दूसरे साल में ओपनिंग हो जाए खरीदना नहीं पड़ेगा, उन्होंने इतनी मटेरियल कंज्यूम किया तो 3,60,000 का ये ओपनिंग क्लोजिंग था तो 45, तो कितना आपका हुआ, 3,60,000 प्लस 67,500 -45,000 तो 3,82,500 हो गया, 3,82,500 यहाँ पे, 3,82,500 तो एवरेज क्रेडिटर आपका कितना हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 12 × 1 करोगे तो 31,875, 31,875 ये आपका रुपीज में हो जाएगा, ये सारे आपकी रुपीज में है, ये रुपीज में है 31,875, तो ये क्रेटर फॉर रॉ मटेरियल आ गया। अब सुनिए ये जो हमने वर्किंग नोट कहाँ तक आ गया था, ए बी सी डी, अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाया गया, वर्किंग नोट ई, ये एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो एवरेज क्रेटर फॉर रॉ मटेरियल ये वर्किंग नोट एफ, ये आपका वर्किंग नोट एवरेज क्रेटर फॉर रॉ मटेरियल। अब एक वर्किंग नोट डी ई एफ, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, अब आपका वर्किंग नोट जी,
अब जी वर्किंग नोट में देखिए उन्होंने क्या कहा, सुनिए क्वेश्चन में एक और बात बोली गई, क्या बोला गया है यहाँ पे, क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस, जितनी भी एक्सपेंसेस है वो 1 महीना के लिए है, क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस जितनी भी एक्सपेंसेस है वो कितने पीरियड के लिए है, 1 मंथ का है। अब देखिए आप यहाँ पे वर्किंग नोट जी, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस। अब सुनिए ये फर्स्ट ईयर आपको, सेकेंड ईयर, अब देखिए कैटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस, सुनिए डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नहीं उसको इग्नोर करेंगे, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे को हम ऐड करेंगे। अब 1 मंथ का निकालेंगे, 1 मंथ का निकालेंगे, सारे को ऐड करके 1 मंथ का निकालेंगे। अब देखिएगा डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस 1,20,000, 1,80,000, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहां पे 72,000, ये आपकी 72,000 फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये आपको 48,000, ये आपकी 48,000 फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आपका कितना हो गया 12,000, यहां पे 12,000 वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ये सारी चीजें आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको 20,000 हो जाएगा, ये आपको 34,000 होगा, टोटल एक्सपेंसेस आपके पास कितनी हो गई, टोटल एक्सपेंसेस ये 2,72,000, 2,72,000, 3,46,000। अब लिखेंगे क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस तो 2,72,000 डिवाइडेड बाई 12 × 1, 3,46,000 डिवाइडेड बाई 12 × 1 तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 22,667 और 28,833 ये आपका क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस है। ये सारी वर्किंग नोट करने के बाद अब आप क्या करोगे, ये सेकेंड पार्ट का आंसर दोगे, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको निकालना है। अब आप निकालोगे क्या, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल सेकेंड पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट
ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये किसके बेसिस पे? टोटल कॉस्ट के बेसिस पे। ये आपको अमाउंट हो जाएगा, यहां पे मैंने लिखा अमाउंट, ये रुपीज में, फिर लिखा अमाउंट, ये रुपीज में, ये आपको फर्स्ट ईयर, ये आपको सेकेंड ईयर। अब सुनिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री में आप देखिएगा, सबसे पहले इन्वेंट्री में क्या आएगा? इन्वेंट्री में हमारे पास क्या होगा? यहां पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब सुनिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां पे क्लोजिंग स्टॉक जो निकाली गई है यहां पे वही है, वर्किंग नोट ई, वर्किंग नोट ई क्या निकला है भाई साहब? 45,000 और 67,500, 67,500, 45,000, 67,500। वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है तो नहीं लिखेंगे। फिर लिखा है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमने आपको कॉस्ट शीट में ही बनाया था, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्होंने क्या कहा था यहां पे देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो निकला है, वर्किंग नोट ए, 1 लाख, 1,32,000, 1,32,000, ये वर्किंग नोट ये हो गया, यह वर्किंग नोट ये हो गया, 1 लाख, 1,32,000। अब आपका आ जाएगा डेटर्स, डेटर मैंने बनाया है, ये वर्किंग नोट कौन सा बना है बताइएगा? डेटर, डेटर यहां पे बना हुआ है, डेटर ये बी पार्ट, बी पार्ट में बनाएंगे 40,000 और 68,000, ये वर्किंग नोट बी, 40,000 और यहां पे 63,000 अवेलेबल कैश, कैश बैलेंस ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 10,000, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है 10,000। अब बताइए करंट एसेट्स कितना हो गया? टोटल, अब देखिए टोटल करंट एसेट्स, मैंने इसको ए पार्ट लिख दिया करंट एसेट्स का, टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। अब टोटल करंट एसेट्स कितना हो जाएगा यहां पे? 1,95,000, 1,95,000 और यहां पे हो जाएगा 2,77,500, 2,77,500, ये आपका ए पार्ट हो गया। अब सुनिए, अब करंट लाइबिलिटी, ये इन्वेंटरी, ये आपको क्या था? ये करंट एसेट्स था, ठीक है। अब आप करंट लाइबिलिटी लिखिएगा यहां पे, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब इस केस में हम लिख सकते हैं क्रेडिटर फॉर
रॉ मटेरियल। अब देखिएगा रॉ मटेरियल का क्रेडिट है, रॉ मटेरियल यहाँ पे आपको 23,750, 31,875 ये मैंने अभी निकाला था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिस। रॉ मटेरियल कितना जाएगा 23,750, 31,875 ये एक वर्किंग नोट था। अब वो कौन सा वर्किंग नोट था भाई, ये आपका एफ का वर्किंग नोट एफ। अब क्रेडिटर फॉर ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे, ये वर्किंग नोट कौन सा था भाई, ये वर्किंग नोट जी, वर्किंग नोट जी से आया था 22,667 और 28,833। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटी ये आपका बी हो गया, करंट लाइबिलिटी कितना हो जाएगा 46,000, 46,417 और यहाँ पे 60,708, 708। अब आपके पास ये टोटल करंट लाइबिलिटी का नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा बताइए आप, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। अब ये जो आया उसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,48,583, 1,48,583, 1,48,583 और यहाँ पे 2,16,000, 2,16,000, 2,16,792, 792। अब सुनिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन में अगर मुझे कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाना होता तो इस क्वेश्चन को कैसे मैं बनाता, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अब आपको मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ किया जाए। अगर इसी क्वेश्चन में कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाना होता तो कैसे बनाता मैं, आपको थोड़ी सी यहाँ पे मुझे पहले ही प्रोविजन लेकर चलना चाहिए था। यहाँ अगर क्वेश्चन में कैश कॉस्ट बेसिस पे, ये तो आपको टोटल कॉस्ट बेसिस है, मैं इसको बनाता हूं कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट। अब देखिए कहां कहां पे फर्क आता भाई, रॉ मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आता, रॉ मटेरियल यहां पे 45,000 है तो यहां पे भी 45,000 ही होता, ये 67,500 है तो ये आपका 67,500 होता हो, 0,0 यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में फर्क होता। अब सुनिएगा, अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कैलकुलेट रॉ मटेरियल कैश कॉस्ट बेसिस पे, यहाँ पे कैश कॉस्ट बेसिस पे देखो, कैश कॉस्ट बेसिस पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 80,000, 80,000 और यहाँ पे कैश कॉस्ट बेसिस पे ऊपर आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था, वहां पे
1,32,000, यहाँ पे कितना था 1,32,000। लेकिन कैश कॉस्ट बेसिस पे हमने देखिएगा, कैश कॉस्ट बेसिस पे यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 80,000, 1,11,000 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80,000 होगा यहाँ पे, यहाँ पे 1,11,000 हो जाएगा यहाँ पे इतना। ये जो आपका जो बना, ये जो बना है आपको 1,11,000, अब 80,000 1,11,000 हो गया। अब आपको यहाँ पे वर्किंग नोट जो है, ये कौन सा है, कौन सा है भाई, कौन सा वर्किंग नोट है, देखो आप, ये सी है, वर्किंग नोट सी से मैंने निकाला, ये वर्किंग नोट सी से आया आपका, वर्किंग नोट सी से, यह वर्किंग नोट सी से आया। आप लोग प्लीज समझो, क्या डेटर में चेंज आएगा? हाँ जी, डेटर में चेंज आएगा, डेटर कैश कॉस्ट बेसिस वाला होगा। तो डेटर की कैलकुलेशन वर्किंग नोट डी 36,000, 56,250, यहां पे 36,000 आ जाएगा, 36,000, और यहां पे कितना हो जाएगा, 56,000, 56,250 हो जाएगा, 56,250। ये भी हमने, अब कैश और बैंक बैलेंस में क्या फर्क रहा, कैश में बैंक में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 10,000 ही होगा, ये 10,000 ही होगा। ये कौन सा वर्किंग नोट था भाई यहाँ पे, ये डी था, वर्किंग नोट डी। ये जो 36,000 आया, ये वर्किंग नोट डी से आया, ये जो आया ये वर्किंग नोट डी से आया, वर्किंग नोट डी से, वर्किंग नोट सी से ये आया। अब टोटल कैश कॉस्ट बेसिस कितना हो जाएगा, 1,71,000 ये हो जाएगा, 2,44,000, 2,44,750 हो जाएगा। मैं जस्ट डिफरेंस बता रहा हूं, यहां पे आपको 23,750 होगा, 22,667 ही होगा, और यहाँ पे 46,417 ही होगा, ये 31,875 ही होगा, 28,833 ही होगा, और ये आपको 60,708 ही आएगा। अब वर्किंग कैपिटल कितना होगा, 1,24,000, 1,24,583, 583, 1,24,583, 1,84,042, ये आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो मैंने आपको टोटल तरीका से कैश कॉस्ट बेसिस पे और टोटल कॉस्ट बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और आपके बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना। चलिए अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।